हेलो एवरीवन, मैं हूं निलेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 119 के बारे में डिटेल में। सो यह एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप सभी ने ध्यान से देखा होगा तो इस एपिसोड में यूनिवर्स 7 का हर मेंबर इन्वॉल्व था एक्सेप्ट फ्रीजा। पता नहीं इन्होंने फ्रीजा को क्यों नहीं दिखाया इस एपिसोड में, बट यूनिवर्स 7 के सारे मेंबर्स को इसमें दिखाया गया है। एंड स्टार्टिंग होता है ये एपिसोड वेजिटा से, एंड वेजिटा वो कैटो पेस्ला को एलिमिनेट करता है, बट वो खुद भी एलिमिनेट होने से बचता है। एंड मोमेंट पर वो पकड़ लेता है स्टेज को और वापस रिटर्न आ जाता है स्टेज पे। एंड इस एपिसोड में जो यूनिवर्स 4 के वॉरियर्स थे उन्होंने काफ़ी चैलेंज दिया यूनिवर्स 7 को। इवन गोहान को भी एक टाइम पर ऐसा था कि वो एलिमिनेट हो जाता, बट पिकोलो ने उसे बचा लिया। एंड ये एपिसोड पिकोलो सेंट्रिक था, पिकोलो को काफ़ी स्क्रीन टाइम मिला इस एपिसोड में। एंड जैसे कि आप सभी को पता, जब भी किसी बंदे को स्क्रीन टाइम दिया जाता है सो मोस्टली वो शाइन करता है, एंड साथ ही उसे एलिमिनेट भी कर देते हैं ये लोग। सो वही हुआ, पिकोलो ने 2 वॉरियर्स को एलिमिनेट किया यूनिवर्स 4 के, एंड बाद में वो खुद भी एलिमिनेट हो गया और वो भी स्टेज पर जाकर बैठ गया जहाँ पर बीरस लोग बैठे हैं। और अगर आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वादोस जो यूनिवर्स 6 की है वो भी यूनिवर्स 7 के साथ बैठी हुई है। सो इसी से हमें पता चलता है कि चंपा एंड बीरस दोनों का क्या बॉन्ड था। भले चंपा काफ़ी इरिटेट करता बीरस को, बट फिर भी वो फाइनली उसका भाई ही था। एंड इस एपिसोड में एंड्रॉयड 17 वो भी स्टेज से गिरते गिरते बच गया। एंड मोमेंट पर गोकू ने उसे इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर बचा लिया। एंड बाद में एंड्रॉयड 17 ने यूनिवर्स 4 के लास्ट वॉरियर को एलिमिनेट किया और उसके बाद यूनिवर्स 4 इरेज हो गया। सो फाइनली अब यूनिवर्स 7 के पास सिर्फ 6 मेंबर बाकी हैं स्टेज पर। पिकोलो भी एलिमिनेट हो चुका है, एंड जहां तक हमें लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो गोहान सेंट्रिक होने वाला है। गोहान टफ फाइट करने वाला है यूनिवर्स 3 के वॉरियर्स के अगेंस्ट। एंड कुछ स्पॉयलर्स हैं जो कि यूनिवर्स 3 के फेवर में हैं, एंड स्पॉयलर्स के हिसाब से यूनिवर्स 3 है जो कि रोबोट्स का है, जो फाइनली एंड तक आ चुके हैं, जो कि डिजर्व भी नहीं करते थे। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से डिजर्व करते थे फाइनल 3 टीम्स बनने में, बट फिर भी ये फाइनल एंड तक पहुँच गए हैं और ये 3-way फ्यूजन करने वाले हैं। सो 3 रोबोट्स हैं वो मर्ज होकर एक बन जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है जो फ्यूजन के बाद कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उसी तरह ये रोबोट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं यहाँ पर कि वेजिटा एंड गोकू ये दोनों को सुपर सैयन ब्लू के फॉर्म में लड़ना पड़ रहा है इस रोबोट के सामने। बट उसी बीच में हमें ये भी देखने मिल रहा है इस प्रीव्यू के हिसाब से कि गोहान बीच में स्टेप करेगा और गोकू एंड वेजिटा इन दोनों को कहेगा कि मुझे मौका दीजिए, मैं फ़ाइट करूँगा इस रोबोट से। और अगर आप इस फुटेज को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ और याद आएगी। अगर आप पिछले बू सागा में देखा होगा जब वेजिटा, गोकू एंड गोहान ये दबूरा से फाइट करते हैं तो ये तीनों साथ में खड़े होते हैं, उसी तरह इस एपिसोड में भी हमें वो सेम चीज़ देखने मिलेगी कि ये तीनों कैरेक्टर एक साथ खड़े होंगे यूनिवर्स 3 के अगेंस्ट। सो अब नेक्स्ट एपिसोड में गोहान को स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। सो अगर लॉजिक देखा जाए तो जिस तरह से हर बार जिस भी कैरेक्टर को ये लोग शाइन करते हैं उसे एलिमिनेट भी कर देते हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए कि गोहान नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी कीमत पे एलिमिनेट हो या उसके नेक्स्ट एपिसोड में। बट हम चाहते हैं कि गोहान एंड तक जाए गोकू एंड वेजिटा के साथ। जैसे कि गोहान ने ऑलरेडी गोकू से कहा था कि वो सुपर सैयन बनकर अब पावर अप नहीं करना चाहता, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट मेथड से अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहता है। सो देखने की ये बात होगी कि मे बी गोहान मिस्टिक फॉर्म को कम्प्लीटली मास्टरी कर ले। सो अगर ऐसा होता है कि गोहान कम्प्लीटली मिस्टिक फॉर्म में आ जाए तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो जीरान से भी फाइट करेगा फ्यूचर में। सो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा।